और खास मेहमान है राधिका गुप्ता वो भी हमारे साथ जुड़ रही है राधिका जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अच्छा लग रहा आपको देख के अच्छा मैं एक चीज बताऊँ आपको ना मैं थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेन्स भी देना चाहता हूँ मैं सोच रहा फोन करूँ कैसे करूँ अब आप हमारे साथ लाइव ही आ गए तो मैं दे देता हूँ मैंने ना आपको शार्क टैंक पे देखा आप शार्क टैंक पे सेट पे थे मैंने मेरे पास सोशल मीडिया से घूम के आया मैं कहा पहले एक बार मेरे को तो लगा कि मैं कहा राधिका गुप्ता है कौन है कौन है कौन है फिर मैंने गंभीरता से देखा मैं कहा तो राधिका गुप्ता ही है ये शार्क टैंक पे है

सी आई थिंक अभी मैंने डीपी को ये कहा सुनते हुए कि इस माहौल में क्या है हम लोग बिजनेसेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं <laughs> बिजनेसिस को ऑन्टरप्रिनरशिप को <laughs> और मैं कहती हूँ कि हम जो भी है मैंने तो लाइफ में ज्यादा बड़े ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया है एडलवाइज म्यूचुअल फंड को एक स्टार्टअप की तरफ बिल्ड किया है हम लोग इन्वेस्ट करते हैं चाहे मैं हूँ डीपी हम लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडिया में मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज लगती है वो इंडियन ऑन्टरप्रिनरशिप है और मुझे लगता है शार्क टैंक एक हिंदुस्तानी ऑन्टरप्रिनरशिप का सेलिब्रेशन है आ, अगर आपको इस देश के बारे में बुलिश होना है ना तो आपको एक शार्क टैंक पे जाना चाहिए क्योंकि आप हमारी जो यूथ है वो क्या क्या सोच सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं उनमें क्या जज्बा है वो आप जाके ऐसे सेट पे देखेंगे तो मुझे तो बहुत मजा आया मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई होप कि मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री की भी थोड़ी अच्छी एम्बेसडर रही हूँ

कुछ पॉपुलिज्म तो आएगा कुछ टैक्स बेनिफिट लोगों को दिए जाएंगे कुछ ऐसी स्कीम्स आएंगी लेकिन वो करा नहीं है एक जो विजन सेट किया है पिछले चार पांच साल पहले आत्मनिर्भरता का भारत के अमृतकाल का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करने का जो हमारा फ्यूचर है इंडियंस जो जो कैपिटल से से आएगा जो से आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पीएलआई की तरफ उसमें एक कंसिस्टेंसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड तीसरी बात पहले ना मैं बजट से बहुत घबराती थी क्योंकि मुझे लगता था बजट आएगा और फिर नया कोई टैक्स चेंज आएगा एंड आई थिंक दिस वॉज वेरी ऑर्डरली तो एक फोकस रहा कि कोई टैक्स में चेंज नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है बार बार अगर आप पॉलिसीज़ में चेंज लाएंगे तो वो इंडिविजुअल ऑर्डर राधिका जी इंटरवी बजट तो आ गया अब यहाँ से फोकस जो होगा हो सवाल हमारे यही कि अब तो रिकॉर्ड कर ही रहे यहाँ से अगर बाजार को चलना है तो बजट तो ट्रिगर होगा ही

सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब रेट्स आउट हो गए हैं और थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने की गुंजाइश है आई थिंक दिस बजट इज ओनली अ पॉजिटिव फॉर बॉन्ड मार्केट तो ये सारी चीजें चलते हुए अगर कंपनीज की अर्निंग्स डिलीवर करती रही uh, तो आई थिंक हमारा माहौल बहुत अच्छा है कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं है जो मार्केट को दिखती है इनफैक्ट मेरा मानना है कि जुलाई का बजट भी यू uh, नो you know, एक कंटिन्यूएशन बजट ही होना चाहिए उसमें भी कुछ ड्रामेटिक नहीं आना चाहिए अगर किसी को फंड्स पे फोकस करना है मान लीजिए तो इस बजट के बाद आपको लगता है कोई सेक्टर फंड्स या फिर थेमेटिक फंड्स जहां पर एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए तो आई थिंक बजट रिलेटेड नहीं बट मैं सेक्टर रिलेटेड अगर कहूंगी तो uh, क्योंकि काफी मार्केट रन रनअप हो गया है तो अगर मैं वो सेक्टर्स देखूं जिन्होंने पार्टिसिपेट uh, नहीं किया उतना रैली में जहां थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है वैल्यूएशन फिर भी अच्छी है और एक केस है बिल्ड होने का वो हमें टेक्नोलॉजी लगता है अगर आप कोई भी ग्लोबल इंडेक्स देख लें जैसे एस एन पी फाइव हंड्रेड यू की इंडेक्स है तो टेक्नोलॉजी पैंतीस परसेंट होगा लेकिन इंडिया में अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज का बारह तेरह परसेंट टेक्नोलॉजी है इंडिया की आज टेक और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करीब 200 बिलियन है मुझे लगता है डेकेड ऑन ये डेकेड के एंड में वो 600 बिलियन के करीब जाएंगी और हमारी जो एक्सपर्टीज आईटी में है वो तो बढ़ती गई है फ्रॉम बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड अब हम ए आई और एनालिटिक्स इंजन बन रहे हैं और

बिल्कुल मुझे, थीक मुझे थीक बहुत खुशी होगी ठीक है आज टाइम निकाला थैंक यू थैंक यू वेरी मच और बाजार इस वक्त शांत है कि हजार के आसपास है बैंक की बात करें तो 80 अंकों के आसपास की तेजी है लेकिन कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं इस बीच बीच में डिपे है क्या ना कि नतीजे बिल्कुल छुप से गए आज पता कैश की इतनी लंबी लिस्ट थी नतीजों की लेकिन बड़ा दिन है तो उसमें सारी छुप जा रही है हाँ लेकिन चलिए कुछ ट्रेड समझते हैं और ये जानते हैं कि करना क्या है आपको चंद्र जी श्री सीमेंट जरा चेक कीजिए मूव्स दिखा रहा है कुछ दिनों से ऊपर जाने को तैयार है अभी और देखिए में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप हाँ। कुछ दिनों से देखने को मिला है और कंसर्न गाल ये रहा है कि सीमेंट में कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं रहा है मूव बनता है फिर सेलिंग आता है वापस मूवमेंट बट अब की बार इसमें ब्रेकआउट बन चुका है और जिस हिसाब से कंटीन्यूसली सात आठ दिनों से हायर टॉप्स का सिक्वेंस बन रहा है मूवमेंट बनना चाहिए मेरे साहब मानना कहीं ना कहीं ट्वेंटी नाइन का सपोर्ट है ऊपर में इक्कीस तक के लेवल के लिए तीस के लेवल के लिए तीस हज़ार पाँच सौ उनतीस हजार नौ सौ निन्यानवे है ये आंकड़ा श्री सीमेंट के लिए अब सनी जी अगर हम पी बैंकों की बात करें तो जो थोड़े से छोटे साइज वाले बैंक हैं वो भी बहुत चले हैं हमने पी में भी बहुत बढ़िया रनअप देखा केनरा बैंक हो बी हो यहाँ भी रफ्तार बनी है यहाँ से अगर किसी को चूज करना हो तो अभी आपको कहाँ लगता है कि वैल्यूशन थोड़े सही साइड पर है आ, मुझे लगता है कि पी बैंक में जो वैल्यूशन सही है जैसे जिन बैंकों के नतीजे अच्छे है जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया इंडियन बैंक हो गया कैनरा बैंक हो गया ये सब में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी एट द सेम टाइम जो जो छोटी बैंक्स है जैसे आई हो गया यूको बैंक हो गया वहाँ कहीं ना कहीं अब एक मार्केट कैचअप रैली कर रहा है कि जो इनका टर्न आरोन थोड़ा देर से हुआ है ये क्वार्टर में जहाँ दिख के आ रहा है कि वहाँ अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत अप मु सकता है एट द सेम टाइम एक रीजनल बैंक जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक वो हमें काफ़ी अच्छी लगती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आज ठीक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रही है